खबर रीवा से है। विवादों में घिरे सिरमौर एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री के खिलाफ बीएमओ सिरमौर ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। बताया जाता है कि अधिकारी ने गाली गलौज और अभद्र भाषा का उपयोग करने के आरोप लगाए हैं। आपको ये भी बताते चले कि चुनाव कार्य में बाधा डालने का भी इन पर आरोप लगाया गया है और एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। डॉक्टरों ने एसडीएम के इस व्यवहार को लेकर नाराजगी व्यक्त की। आरोप में कहा गया है कि एसडीएम ने मां बहन की गालियां दी है, जिससे बीएमओ सिरमौर सिविल अस्पताल को गाली दिए जाने से सभी चिकित्सक नाराज हैं और एसडीएम सिरमौर के खिलाफ लामबंद है और कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। सिरमौर एसडीएम रहते नीलमणि अग्निहोत्री पहले भी विवादित रहे हैं। इसके पहले रीवा में पदस्थ रहते हुए एक सरकारी कर्मचारी को चुनाव के दौरान ही बेवजह मामले में फंसा दिया था, जिसकी जाँच अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। हेलो, बीएमओ साहब बोल रहे हैं? हाँ, रामानंद पांडे बोल रहा हूँ, विराट 24 न्यूज चैनल से। हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी आपके साथ कुछ घटना घटी है, तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा आप स्पष्ट कर देते किस तरह से एसडीएम साहब ने बस सलूकी की, क्या कहा और आगे क्या कदम उठाएंगे आप लोग। हाँ हाँ, मैं ये बता रहा था अभी, सीमित सर से बात कर रहा था मैं जी। तो जी क्या हुआ था कि जो मेडिकल किट बंटवाना था जी, तो 4-5 दिन पहले आ गई थी, तो मैंने इनसे एसडीएम सर से बात करी, तो इन्होंने बोला कि अभी मैं बताऊंगा कब बंटवाना है, और इन्होंने ना मुझे फोन किया ना कोई लेटर वगैरह दिया कि किस दिन बंटवानी है। फिर आज कल चुनाव है 8 तारीख को, तो आज बंटवाना था, मैंने 6 तारीख को इनको शाम को फोन भी लगाया, ना तो फोन उठाया ना तो रिटर्न किया इनने। अब सुबह मैंने अपने कर्मचारियों को बोल दिया था, जो फार्मासिस्ट है हमारी, कि सुबह 7 बजे वितरण होगा सामान का, तो उसके साथ साथ सामान किट भी बंट जाए। तो ये पहुंच गए 7 बजे, अब 7 बजे ये गाड़ी नहीं जाने दे रहे अंदर, और गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गाली कि गाड़ी अंदर नहीं जाएगी सीधे। अरे और हाँ, सीधे बोल रहे हैं, सीधे माँ बहन की गाली, मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या है ये, ऑफिसर है कि क्या है, इस तरह के लेमैन की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। फिर 15 मिनट बाद किसी तरीके से जाने दिए, तो बोल दिए कोई हाथ नहीं लगाएगा सामान को, सामान नहीं बटेगा, तुम लोग बूथ बूथ में जाके बांटोगे। अब बोले कि बीएमओ को बुलाओ साले को, मतलब एक होती ना जितनी गंदी लैंग्वेज हो सकती है वो उनने यूज करी। अब जब मैं गया तो बाहर ही गेट के पास एकदम बख्तमीजी से ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं क्या है मैं क्या हूँ, है कि तेरे समझ में नहीं आता है, है? तो मैं बोला सर एक तो आप बताए नहीं हो मुझे कि कब वो करना है, ना तो कोई लेटर दिए हो ना तो मुझे फोन रिसीव किए हो, तू कौन होता है मैं तुझे लेटर दूंगा। तो मैं बोला सर थोड़ा तमीज से बात करिए, जो भी हो तो बता दो आपको क्या दिक्कत है, या फिर तो फिर इतने गंदे तरीके से बोला कि मुझे पता है तू लोकल है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले मेरा। अब जब गाली दिया ना, तो एक अब आप ही सोचिए 4 लोगों के सामने कोई आपको ऐसा बोलेगा तो मतलब कैसा फील होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल भैया, कोई साधारण कोई चपरासी की नौकरी नहीं कर रहे हैं, जवाबदार चपरासी पे बैठे हुए हैं और बिल्कुल सेवा कर रहे हैं, तो कुछ लगता ही है 24 घंटे यहाँ काम करते हैं। वैसे मैं यही कहूँ, मेरा घर भी है, तो मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे घर वालों कोई परेशान घर गाँव को कोई राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक दबाव भी ऐसा कुछ रहता है क्या, दबाव के कारण भी ये कुछ कर रहे हैं? अब ये राजनीतिक दबाव पता नहीं अब होगा ही इनका, तभी तो इतना वो हो रहे हैं। तो आपने शिकायत की कलेक्टर साहब से या किसी निर्वाचन? हाँ, इन्होंने जब 2 बार गाली दी तो फिर मैं वहां से चला आया, ठीक है। फिर मैंने सीएमएचओ सर को बोला और कलेक्टर सर को बोला कि सर ये, और दवाई नहीं बटने दे रहे थे, मैं बोला सर ये दवाई नहीं बटने दे रहे हैं, फालतू में लोगों को दिक्कत होगी, किसी को दिक्कत हो, इतनी गर्मी है सारी दवाइयां बट जाए तो। फिर तब जाके सीएमएचओ कलेक्टर सर ने बोला होगा, तो 1.5 घंटे बाद इनने दवाई बटने दी। और दवाने में भी शिकायत की आपने? थाने में नहीं करी मैंने, कि हो गया क्या बात बढ़ाई जाए, नहीं मतलब कि विभागी में बात कर लें, कलेक्टर सर तक बात चली जाए, और थाने में मुझे नहीं लगा वो करने। कुछ ऐसी बात आई थी कि आपके साथ में जो चिकित्सक है वो भी विरोध जता रहे थे? वो सब जता रहे हैं, इनने क्या बोला कि मैं FIR कर दूंगा तेरे खिलाफ, मैं FIR करूंगा। अब सब मेरे साथ जो डॉक्टर है पीएचसी वाले सब बोल रहे हैं कि भाई अगर इसने सही में कर दिया कुछ झूठा किस लगा के तब हम क्या करेंगे। तो अब मैं इसमें क्या समझाऊं उनको, मैं अब वो बोल रहा है कि भाई मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा सीधी सी, अगर ऐसी बात है तो हमारे साथ अगर समाज के बीच में आप किसी के साथ बसलूकी करोगे तो प्रतिक्रिया होगी। वही इतने गंदे तरीके से बोलना और सीधे धमकी देना कि भाई मैं FIR कर दूंगा तेरे खिलाफ। अब कोई बड़ी बात नहीं है, वो मान लीजिए कल कोई मेरे डॉक्टर जो है जो पीएचसी में रहेंगे कुछ भी बहाने से करवा देंगे, तो मैं क्या करूंगा उनके उसमें। चलिए ठीक है, मैं चलाता हूँ भैया, मैं खबर चलाता हूँ। जी जी जी।